राजघाट स्थित राप्ती नदी के किनारे मूर्ति विसर्जन के लिए बनाए गए विशाल पोखरे का शुक्रवार को अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि विसर्जन के लिए 3 पोखरे बनाए गए हैं। पोखरे में सुबह से ही पानी भरने का कार्य चल रहा था। पोखरे की साफ सफाई के लिए पोकलैंड मशीन लगाई गई है। सुरक्षा की भी उचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा ने कहा, चीजें फोन करेंगे भैया पे कहाँ बाबू से वहाँ से मारते तो चले जाएंगे पानी के मारेंगे ना। देखिए, नगर निगम द्वारा इस तालाब की पूर्णतः सफाई कराई गई, इसको खाली करा करके उसके बाद इसमें शुद्ध पानी इसमें डलवाया गया है। आसपास आप देख रहे हैं बढ़िया अच्छी सफाई व्यवस्था, चूने का छिड़काव हो गया, निरंतर जो है पानी का छिड़काव चल रहा है यहाँ पर, और सफाई की भी हमेशा व्यवस्था है। 2-2, 3-3 पोकलैंड मशीन लगी है, जो विसर्जन हो रहा है उसको तत्काल उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि तालाब में भीड़ ना होने पाए। इसके अलावा और भी अगर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी तो हम लोग तत्काल उसको लगा देंगे। और कुल मिला के पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है, किसी को कोई असुविधा की अभी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, इसमें प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है सुरक्षा को देखते हुए वो कैसी है? हर चीज़ की उत्तम व्यवस्था है, सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, और कोई अप्रिय घटना की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, ना ही ऐसी संभावना है। क्या अनुमान लग रहा है कितनी मूर्तियाँ अभी तक बता रहे लोग? 26 मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है सवेरे से, अब देखिए और कितनी आती हैं।